आता है यहाँ पे विराजमान है। और चलते हैं, भाभी यार आ चुकी है, भाभी ने फोन किया है। तो अब दीसो चाची ने देख रखी नहीं है, चाची ने कहा मुझे भी बुला लेना, लेकिन मैंने बुलाया तो चाची यहाँ घर पे है नहीं इस टाइम पे, लॉक लगा हुआ है। और अभी चलते हैं भाभी घर के पास, गांव में रख देते हैं ना तो इसलिए नहीं रखते हम तो। देखा यार रस्सी बंधी हुई है, ये भी नहीं आए। अच्छा भाभी तो ये आई है, ये लो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा बुला लो वैसे ने भी। हेलो हेलो एवरीवन, छोटी गुड़िया भाभी की जोर से बोला चाची नमस्ते। उस दिन आपके घर है, एक बार नहीं भूलता, आपके घर से पीछे भगा गया मेरे, तो मुझे ये कह रहा है कि बुआ आप मुझे भूल गए क्या। तो भूलने की चीज है, हैं? और फिर ये रुको, क्या बोले? अरे मम्मी क्यों, अरे शर्म आवे मुझे, इतने से भी शर्मा जाना है। अरे यू वीडियो बना तो शर्मा तो, ये झूठो सच्ची है माँ, इतने छोटे से माँ कसम मत, चाची की कसम, कसम मत खा करे, कसम गंदी बात हो गए, कसम न खाते बेटा। रात में डर लगे भाई दीप है, चोरी होगी यहाँ कई घर चोरी। राधे राधे भाभी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। भाभी तो अभी रोटी बना रही है, कल मैंने भाभी की देवी ना दिखाई इसलिए भाभी का सूट करूंगी, आरती का नहीं करूंगी, अब आरती का नहीं करूंगी सूट, कल बहुत हो चुका था और थोड़ा बहुत सूट होगा वो करूंगी। अब भाभी से बात करूंगी, चलो बच्चे की तुम्हें क्या हो रहे नमस्ते। जय माता दी, तेरी बड़ी माता रानी इतनी छोटी, हर मामा में तो बहुत बड़ी लग रही हो। पास 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 मम्मी थोड़ी और बड़ी बना देती हूँ, मम्मी ने ट्राई कर ली इस बार, मम्मी गई पीछे, मैं तो सही अच्छा लगा। यार तो मेरे बीमारी यार तो यार काहे को दीबे लायर काहे की बाती यारे सारी रात यारे सारी रात यारे, क्या मेरे बेबी ओढ़ेगी, क्या मेरे बेबी पहनेगी, सालू ओढ़ेगी, मिसरू पहनेगी, सोने को शीशा गुंदावेगी, सालू हो ही ना रहा है ऐसा। नहीं धुआं बस धूप बत्ती को, साग में पालक और सरसों भी था तो ये बनाऊंगी मैं अपने लिए, ये साग बनाऊंगी मैं अपने लिए शाम के टाइम थोड़ा सा, मतलब इसमें ना आलन वगैरह नहीं देंगे, यूं तड़का लगा देंगे। और ये गोभी और आलू आ गए हैं, गोभी देखो कितनी गंदी दी है उसने, हिमांशी लेके आई है, बच्चों को ना ऐसे लोग पैसे ले लिए आंटी ने इसकी ने, और ये गोभी कितनी गंदी थी और ख़राब हो जाएगी, तो फ्रांस बीन कल बनाऊंगी इनके लिए, आलू गोभी आज बनाऊंगी। हिमांशी बेटा प्लेट भी दो, सकते हैं यहाँ पे पहले खाया गया है खाना, ये मेरी थाली है जो कि मैं सोचा था बहुत सारी, ये मेरी थाली है जो कि मैं सोचा था बहुत ज़्यादा अच्छी थाली बनाऊंगा, पप्पा ने खाए सारे का सारा, नहीं मेरा पराठा मैंने आज सुबह अभी तो बनाया, अभी बनाया और पप्पा जी ने सबसे पहले बोले कि आधा आधा पराठा, मैं बोला पापा आधा पराठा तो दे दो, ये पराठा दिया है रात के दो पराठे रखे हुए, आप लोग देख सकते हैं ये पराठा दिया है आधे के नाम पे। पापा ये क्या बात है, बल्कि इससे भी ज्यादा खाना, इससे भी ज्यादा ये चटनी के साथ खाया है, इस चटनी के साथ मम्मी आपकी वर्त वाली चटनी भी खा ली पापा जी ने, आपकी वर्त वाली चटनी
पापा जी, और मेरे पापा जी मेरे को टेढ़ी टेढ़ी दूर से देखते हुए, ये पापा ये बनाने में पता भी कितना टाइम लगा है। खैर इसमें तो मैं एक पूरा खीरे ही डाल के रख दिया था, इसमें भी एक खीरा है पूरा, मुझे ज़्यादा पसंद है खीरे। ये चावल रखे हुए हैं, ये रे मैंने चावल पहले डाल दिए थे, और जस्ट जब भी मतलब पाँच कितने मिनट हो गए होंगे, तीन मिनट पहले ये परांठा। पापा के हाथ में फ़ोन है, पापा जी फ़ोन से खेल रहे हैं, फ़ोन में कैंडी क्रश बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम है इनका। पापा खेल रहे जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही। उसके बाद मम्मी से फ़ोन लिया है मैंने, तो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो फिर आप लोग देख सकते हैं। और अपने पापा जी से रहे सावधान। यस एक्चुअली होता क्या है, जो पापा जी होते हैं ना, अगर उनसे एक चिप्स का पैकेट खुलवा है तो फिर दो तीन पापा जी लेके चले जाते हैं, और अगर कुछ भी मतलब नई नई चीज़ें खिलाए तो फिर खा लेते हैं। ऐसे ये बात नहीं होती, बहुत अच्छे पापा जी होते हैं, परंतु अपने खाने का थोड़ा ध्यान रखिए। नमस्कार गो, आप क्या कर रहे हैं मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? मैं बना रही हूँ सब्जी, और मैंने देखो पहले मैं रखती हूँ इसमें बना दिया है साग छोटे भगोने में, इस भगोने दिया था जैसे कि आप सबको पता है खोवा भर के दिया था मम्मी ने, तो ऐसे ऐसे भगोने मिले मुझे, जैसे भगोने मेरे यहाँ के तीन टूटे हैं ना, पता नहीं कैसे वो गैस ज़्यादा निकल रही थी कैसी, और इस वजह से एक तो मैंने खरीदा है। और गैस अगर मैं सच्ची बताऊँ तो फिर मैं अपना लोग रहता है, फ्राई पैन भी टूट गया मेरे यहाँ, तो फ्राई पैन वो था मेरा 1100 रुपये का, और ये हम लेके आए 100 रुपये का, 100 रुपये ये 100 रुपये का सामान लग रहा है, बेहतरीन है ये। ये तो ज़रूरी नहीं है, ये पहले वाले की ज़रूरी नहीं है, महंगी चीज़ खरीदो, सस्ती और भी अच्छी होती है, सस्ती चीज़ भी खरीदनी चाहिए। और वो फ्राई पैन मेरा ना तो इसमें इतनी सब्जी उल्दी छोटा सा था, पहली बात तो मैं बताऊँगी इसमें भी बहुत काम किया ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये हल्का है ना, वो भारी था, ये हल्का है, तो इसे पूरी वगैरह सब इतनी जल्दी बन जाती है, इसमें कुछ भी कर दो भाई, बेहतरीन। मम्मी सब्जी कोई भी सब्जी बनानी होती है तो बनाती है, मैं कोई भी सब्जी और पूड़ी भी इसमें चली थी, पूड़ी भी इसमें बनेगी, सब्जी भी इसमें बनेगी, खाली करती रहूँगी, पकौड़ियाँ और जैसे कि अब जैसे आलू गोभी चावल भी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ साग को छोड़ के साग में जैसे कि आप भगोने में उबाल लिया और साग में इसमें आलम नहीं लगाऊंगी, शाम के लिए अपने लिए रख लूँगी, और या तो खाएगा तो उनके लिए दे दूँगी, बस इस तरह से इतने हींग मैंने शुरू में ही थोक में डाल दी थी। और ये मेरी फेवरेट सब्जी है भाई, ये इसकी फेवरेट सब्जी है, यही लेके आई है, ये तो धोई है मैंने जब थोड़े ठीक करके चलिए, नहीं तो इतनी ऐसी अच्छी सब्जी वाली आंटी ने ऐसी दी थी, सब्जी वाली आंटी ने ऐसी सब्जी दी थी, मैं तो कह रही हूँ गोभी दूसरी वाली गोभी लगाई थी मैंने, आंटी ने दूसरी दे दी। रेट क्या था, रेट बता सब, मम्मी डांट कर जाएगी उनको, मैं फिर भी ऑन कैमरा ना डालती फिर बाद में डांट लूँगी। कितने के लगते हैं आपको, कितने होंगे इसके, महंगी होगी सब्जी मतलब गोभी महंगी है, कितने की भैया मिर्च है ना इसमें शायद कलर है, क्योंकि मिर्च वगैरह हमारी ख़त्म हो रखी है, लोनी जाने का सोच रही हूँ मैं आज, कितने की होगी मतलब कैसा, हमारे थोड़ा सीखा ही खाते हैं, मिर्च भी नहीं है इसमें, है लगता है इसमें कितने होगी, अगर गैस नहीं मिलेगा, गैस तो कलर वाली है, गैस ये 60 रुपये किलो, और 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो क्या ही एक, तो कितनी ही ये नहीं पता होगा तुम्हें, तो सब्जी ले मेरी देखना बेकार है, ये धनिया पाउडर है तो 80 रुपये किलो, हाँ ऐसे हिसाब लगाना, हाँ ये होगी तो मम्मी सही तो लेके आएंगे, हाँ बस सीखा ही खाएंगे क्योंकि दही से खाएंगे ये, दही डाल के सही तो लेके आया ना मम्मी, हाँ ये तीनों ही हैं,
तो गाइस मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, बाकी के लिए शायद कम रहेंगे। हिमांशी होती है तो व्लॉग बन जाता है जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, नहीं तो व्लॉग नहीं बनता है मेरा। अब जैसे कि इसने सूट कर लिया, साग मैंने रखा, जो भी जैसे भी आपके चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। हाँ और तो गाइस मेरी चैनल का नाम है जियोदी धर्मेशा, पर ऊपर ही आ जाएगा मेरी वीडियोस, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आप प्लीज इसे इसको सब्सक्राइब ना करें मम्मी। हाँ हाँ इसे सब्सक्राइब करें मम्मी प्लीज ना। अब बोल रही हूँ सब्सक्राइब करें इसे। हाँ फिर ठीक है, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करें, 23 सब्सक्राइबर्स है ऊपर लिखा होगा। हाँ माँ ये दूध और दही रात के और अभी के दिखाती हूँ मैं। दूध अब का है, ये गर्म हो चुका है, और ये दही है। जैसे कि आप सबको पता है सुबह सुबह अभी चाय भी बनी है, अभी किचन की हालत ये हो रखी है, तो ये पराठे रखे हुए हैं रात के। तो ये अब मैं करती हूँ और दूध जमाती हूँ, दूध इसमें गर्म दूध डाल के ये जमाती हूँ, बस यही काम है मेरा।